वाइड एंगल वाला व्यू देखिए आप जरा, मतलब कितना ही गजब लग रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये जो है वो मेन टेम्पल है, और यहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे हमें कुछ परमिशन लेनी है, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। और सामने देखिए लिखा हुआ ड्रैगन पैलेस, बहुत ज्यादा भीड़ है यार, इतनी भीड़ तो दीक्षा भूमि भी नहीं थी। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसकी एंट्री है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार जानदार, मजा आ गया। बहुत शानदार बाबा साहब की जो है यहाँ पर एक स्टैचू है, और देखिए वहाँ पे लोगों ने पैरों पर भी फूल चढ़ाए हुए हैं और नीचे कुछ कैंडल्स जल रही हैं। शानदार शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया देख के। यहाँ मैम बैठी हैं, इनसे पूछा हमने कि हाँ हम अंदर जाके वीडियो ले सकते हैं, उन्होंने हमें जाने दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बहुजन मतलब बहुसंख्यक, जितने भी लोग हैं ना सब फोटो सेल्फी सब कुछ ले रहे हैं। और एक हम देखिए सब लोग वाइट कपड़ों में आए होंगे, हम नहीं आए हम पूरे मतलब जितनी फैमिलीज आई है ना वो सेल्फी ले रही हैं, फोटो ले रही हैं, लोग बाग देखिए फोटो ले रहे हैं, मतलब एक भी यहाँ आकर कोई भी ऐसा सब सब कोई फोटो खिंचवा रहा है। तो हमारे शूज जो हैं अभी तक हैं यहाँ पर, क्या होता है कई बार गलती से भी इंसान पहन जाता है, भूले के भी पहन जाता है। तो हमने यहाँ पुलिस वालों से पूछा कि है ना यहाँ अंदर क्या है, तो वो हमें देखकर हंसने लग गया। नहीं एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर, वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो बोलने का चाह रहा है। आगे जो है ना वहाँ पर मेन जो है जगह है जहाँ पे लोग आते हैं वो आगे है, वहाँ बाबा साहब की जो स्टैचू थी वो एक जगह थी, लेकिन जो प्रॉपर यहाँ ड्रैगन पैलेस जैसे बोलते हैं ना वो आगे है। और यहाँ पर क्या बहुत सारा भीड़ वगैरह है। अच्छा ये वो मेन जगह है सर, हम यूट्यूब चैनल है हमारा, तो हम यहाँ पे थोड़ा एक ड्रोन शॉट लेना चाह रहे थे। हाँ वो वाइड एंगल वाला व्यू देखिए आप जरा, मतलब कितना ही गजब लग रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये जो है वो मेन टेम्पल है, और यहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे हमें कुछ परमिशन लेनी है, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। सर हमारा यूट्यूब चैनल है, सर एक ड्रोन शॉट लेना चाह रहे थे यहाँ का, नहीं ले सकते? ठीक है सर, ओके। तो इन्होंने मना कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत बेहतरीन सा व्यू आ रहा है, शानदार सा व्यू आ रहा है। जय भीम, आपका यूट्यूब चैनल है ना? हाँ जय भीम जय भीम। सर आज ही सुबह वीडियो देखा, लगा ही नागपुर में। अच्छा एक्सीडेंटली मीटअप भी हो गया। तो यहाँ पर हमको एक और सम्राट मिले हैं, क्या नाम है आपका? सौर्य। बेटा गिर जाओगे नीचे उतरो, डर गए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग हैं, पहनावा से आप पहचान सकते हैं। पुलिस की व्यवस्था है तो कुछ बड़ा ही है ना, लोग बाग सेल्फियां ले रहे हैं, देख रहे हो आप, फोटो खींच रहे हैं, बैठे हुए हैं, समय बिता रहे हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे बुद्धास की मूर्ति के साथ लगाई जाती है, वैसे वहाँ पर भी सजाया जाते हैं स्टेज पे। तो ये यहाँ से अंदर जाने का अलाउड नहीं है, लेकिन हम पूछ लेते हैं अगर बाई चांस हमें जाने दिया तो। पर है ना बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ब्रास के होंगे, वहाँ पर जो है जिन्होंने इनको बनाया था उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये पूरा इलाका, यहाँ पे नॉर्मली किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, बट हम आ गए हैं। ये जो है वुडन का है, वुडन के बुद्धा हैं क्या? चंदन चंदन, 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 चंदन। अच्छा चंदन के हैं ये, 864 kg इसका वेट है। ये कहाँ से आई है? जापान से आई है ये। तो आप देख रहे हैं कितनी मतलब सुंदर है, देख रहे हैं सब के सब फोटो खींचने में लगे हुए सारे के सारे। और शाम हो गई है और हमारे जाने का समय हो गया है। शूज मिल गए, फिर से शूज मिल गए, ये क्या अफवाह उड़ाते हैं लोग बाकी जूते गायब हो जाते हैं। आगे एक और जगह है जहाँ पे शायद उसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं,
तो वहाँ भी चलकर देखते हैं एक बार। क्या है कि जो मेरा पुराना रोड का माइक था ना, उसमें चिल्ला कर नहीं बात करनी पड़ती थी, वो दूर से ही कैच कर लेता था, लेकिन ये जो है मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, कि पता चला सारा कुछ हो गया और बाद में रिकॉर्डिंग में आवाज़ ही नहीं आ रही। तो थोड़ी सी मतलब आवाज़ आएगी लेकिन क्लियर नहीं आएगी, इधर थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के हम बात कर रहे हैं, बाकी पता तो चल जाएगा आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं आ रही। देख रहे हैं आप कितने लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की ड्रोन शॉट के लिए परमिशन लेने के लिए, लेकिन हमें किसी ने परमिशन दी नहीं। शानदार है, बहुत शानदार, ये चीज़ आपको ना देखनी चाहिए, इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती है MP में। यहाँ पर एक कैलेंडर है जो ये प्रिंट करते हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, और ये सब ओरिजिनल फोटोज़ हैं। ये फ़ोटोज़ कहाँ से लेके आए आप ये सारे? तो ये एक नए बहुजन व्यक्ति मिले हमको जो कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगा, जैसे मैं एंटर किया ना तो मुझे अट्रैक्टिव लगा। आपका नंबर दे दीजिए मुझे और है ना ये एक दे दीजिए, काफी अच्छे लगे हमको और हमने है ना दो ले लिए हैं, तो दो तो यूज करेंगे ही, से कुछ पीस मंगवा लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए और आप लोगों को भी भेजेंगे, बहुत शानदार लगे मुझे तो। यहाँ पर है ना एक मराठी कैलेंडर था, हमने सोचा कि इसको भी लेके आना चाहिए वेबसाइट पर। तो यहाँ पर क्या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फायदेमंद है, तो बोला जाता है शायद गोल्डन टेम्पल और पता नहीं ऐसा कुछ, तो भी बोल रहे थे, पास चल के देखते हैं। हाँ देखो क्या व्यू आ रहा है यार, गजब का व्यू आ रहा है, आपको लग रहा है इंडिया में देख के दिस कंट्री में आ गई थी, अगर इतना पार्ट दे दो कितना पॉश और कितना प्यारा लग रहा है। प्रवेश बंदा हाय, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अंदर जाना मना है, ये जो मैडम है वो ही कुंभार है। हाँ, उनका उनका ही। अच्छा अच्छा अच्छा, परमिशन के बगैर अपन कैसे? ठीक है ओके, कोई यहाँ बहुत शानदार लुक आ रहा है, इसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं क्या? मेडिटेशन विपश्यना सेंटर, विपश्यना सेंटर। तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है ये, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो अंदर जाएंगे और वीडियो शूट करके आपको भी दिखाएंगे। एक झाड़ भी अगर काटने का रहा ना तो हमको मालिक की परमिशन लेना, नहीं तो खुल के बोल रहे हैं कि मालिक की परमिशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, और यहाँ लिखा भी है पढ़ लीजिए। मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि ये सारा जो है ना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसकी देख रेख या यहाँ पे जो प्रोग्राम इतना बड़ा हो रहा है ना, तो उसको संचालित करने के लिए जैसे कुंभ होता है तो वहाँ भी सरकार उसको करवाती है, वैसे ही यहाँ पर इसी वजह से पुलिस वाले खड़े हैं जो यहाँ की व्यवस्था को मैनेज कर सके, कोई समस्या ना हो, कोरोना चल रहा है इस वजह से। तो अभी हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं और देखते हैं कुछ और देखने को मिलता है तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको नागलोक, बुद्ध भूमि और ड्रैगन पैलेस एक ही रोड पर मिल जाएगा। हमको पता नहीं था वरना हम एक दिन में पूरा ये कवर करने की कोशिश करते हैं। ये फिर से कहाँ मालूम है तो क्या भूलते नहीं है। तो देखिए ये है CNG और यहाँ चल रही है 92 रुपीज रेट। ये जो होटल है ये ओयो से बुक है, ये इतना प्रीमियम तो नहीं लग रहा है लेकिन ओयो के हिसाब से है ना ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार है, और प्राइस सुन लोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बताऊं क्या? तो ये हमको पड़ा है आज का, कल का, दो दिन का, है ना, दो दिन का, हमें लगभग 1200 रुपए में पड़ रहा है। बहुत कम है, 1200 नागपुर शहर ही आशीष ने एक नया चैनल खोला है, उसने मुझे बोला नहीं था प्रमोशन करने के लिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ, और उसपे वो ये सारी डीले बताता है। उससे बोलो कि ना अपने चैनल के लिंक नीचे दे, मैं नहीं दूंगा, वो खुद देगा। होटल तो शानदार है, बहुत सही प्राइस में, कहाँ से लाते हो यार ये सब चीजें, कभी हमें भी बता दो। अरे चलेंगे साथ में नेपाल तो सब बता देंगे आपको। तो मैंने बता दिया वैसे सबको, तुम्हारा एक चैनल है, लिंक नहीं दी है, लिंक तुम्हें देना है तो दे देना, मैंने नहीं बताया इससे, उसे कमेंट करके पूछो, उससे बोलो लिंक दो, लिंक दो, लिंक दो। कीप सपोर्टिंग।